और पहला ही दिन हमने शपथ लिया है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद में कुछ बातें ऐसी आई जो सामने, जैसे डीएनए जो टेस्ट की बात चल रही थी, काफ़ी विरोध हो रहा था अंदर के मदन जी दिलावर को लेकर। और मेरी शपथ होने के बाद में ही थोड़ा समय बाद ही वहाँ पर सदन की कार्रवाई समाप्त होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे मजबूती तरीके से हम आदिवासी हो चाहे शोषित हो दलित हो, जैसी भी जिस भी व्यक्ति के साथ में अत्याचार शोषण होता है उसकी आवाज़ को उठाएंगे और विधानसभा के सदन के अंदर पुरजोर तरीके से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। चुनाव है 84 की कांग्रेस पार्टी के साथ जाओगे या फिर वो हमारी वहाँ की जाजम तय करेगी कि हम किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के पदाधिकारी और हम सब आम राय से बैठेंगे फिर तय करेंगे। दो दिन पहले राजकुमार रोड अपना ब्लड सैंपल देने को तैयार हो गए थे, पुलिस ने रोक दिया, लेकिन मदन दिलावर का फिर से बयान आया कि आदिवासी हिंदू ही थे, वो पलट नहीं रहे अपने बयान। तो सबसे पहली बात तो हिंदू अधिनियम 1955 आदिवासी पर लागू नहीं होता, फिर विवाह अधिनियम 1956 वो भी आदिवासी पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है कि यहाँ पर जो आदिवासी है वो वनवासी नहीं आदिवासी है। तो हम मदन जी जो दिलावर जो बयान दे रहे हैं उसका विरोध करते हैं। आपने भी कलावा बांध रखा है अभी अपनी। हाँ, ये जो हमारा कल्चर है, हम आदिवासी, हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति से हमारी पहचान है, हम उसको खोना नहीं चाहते। और विधानसभा की सदन में हम पहली बार आज प्रवेश किया तो हमारे वहाँ का जो आदिवासी समाज है वो इस वेशभूषा के साथ में सदियों से जुड़ा हुआ है, तो हम इस वेशभूषा के से ही हम जाएंगे। ये हमारे पुरखों की और पूर्वजों की पहचान है।